नमस्कार मैं हिमांशु छावड़ा दूरदर्शन भारती के इस खास प्रोग्राम बोल में आपका बेहद स्वागत करता हूं इनकी काबिलियत को आप क्या पहचानोगे साहब इनकी काबिलियत को आप क्या पहचानोगे साहब ये जिन किरदार में आए हैं लाखों दिल जीत चुके हैं महान शख्सियत महान नायक बजरंगी भाई जान के कुरेशी और जब तक है जान के मिस्टर कपूर फिल्म दूरदर्शन में बने हिंदी टीचर महान नायक दिल्ली के रहने वाले मनोज बख्शी आज आप हमारी स्टेज पर हो चार चांद लग गए थैंक यू दूरदर्शन में कहीं पलटन आ गई इस वीराने में कहीं रौनक सी छा गई hmm. जमूरा है सामने मदारी आ गए गोरी तेरे प्यार में हम शर्म आ गए रिश्ते निभाएंगे जब तक है जान चाहे बना ले बजरंगी भाई जान वाह वाह भाई तुम तो शायर बन गए hmm? ये एक कवि मधुबन की लिखी हुई कुछ पंक्तियां है जो मैंने आपके सामने जिसका इजहार किया है अच्छा अच्छा मधुबन साहब की बहुत बढ़िया अच्छे शायर लग रहे हैं आज आप दूरदर्शन के स्टेज पर बैठे हो आपको कैसा लग रहा है ये बहुत ये दूरदर्शन के स्टेज पे आने की तमन्ना हर इंसान के अंदर होती है जितने भी देश में लोग हैं क्योंकि चाहे जितने बड़े बड़े चैनल आप खो, खोल रखे हो लोगों ने जितनी रीच दूरदर्शन की है आज भी उतनी और किसी चैनल की नहीं है तो ये एक प्राइड का विषय इज्जत की बात है कि दूरदर्शन में आपको कुछ बोलने को मिल रहा है फिल्मी दुनिया का सफ़र कैसा रहा आपका अब तक का सफ़र क्या देखो जहाँ पे इंसान को जाना होता है ना वो रास्ते खुद बनते जाते हैं वो अब जैसे शाहरुख खान या बड़े बड़े कोई फिल्म मेकर है वो अपने हिसाब से डायलॉग बनाते हैं उसका कि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो वो बात सही है बिल्कुल कायनात आपकी मदद करती है मैं जो है सेल्स एंड मार्केटिंग करता था फिर उसके बाद फैमिली ने बिजनेस स्टार्ट किए उसमें मोटर पार्ट्स वगैरह बनते थे फिर उसके बाद धीरे धीरे वो खुद ही मुझे लेके गए गॉड जैसे जिस रस्ते पर आपके दिल की जो इच्छा होती है आप नहीं कर पा रहे पूरी लेकिन वो गॉड रस्ते बनाता है अपने आप तो उनको पता था गॉड के द्वारा ही मैं पहुंचा हूं मुझे ना तो मेरे घर में कोई इस इंडस्ट्री से है खुद ही अपनी मेहनत करके बल्कि जितने भी घर वाले थे वो तो विरोध कर रहे थे और जनरली होता भी है क्योंकि एक्टिंग लाइन में कोई भी आदमी जाना चाहता है ना तो उसको नॉर्मल घर वाले उसको विरोध ही करते हैं वो हालांकि मेरी सिक्योरिटी के लिए करते होंगे कि यार ये बच्चा जो है बिगड़ रह जाए माँ बाप ये सोचते हैं क्योंकि वो लाइन में सेंट्रेंट नहीं है कोई बन गया स्टार तो बन गया बन गया एक्टर तो बन गया नहीं तो कईयों को वो धक्के खाते हुए भी देखते हैं इसलिए फैमिली वाले आपकी सिक्योरिटी कॉन्शियस होते हैं इस वजह से आपको रोकना चाहते हैं लेकिन अगर आप ईमानदार हैं और फ्रू, तो फ्रूट कल को मिलने शुरू हो जाते हैं जैसे आज मेरी मदर शी शी इज़ इज़ वेरी हैप्पी विद मी सेइंग को, को ब, बहुत बड़ी चीज देने वाला खुशी, खुशी और, जब, होती है वो। और जब मैं जाना चाहता था तो मेरी मदर चप्पल उठा के मारती थी मेरे ऊपर कि ये जॉब नहीं करता दुकान पर नहीं जाता फैक्ट्री में नहीं जाता घर पे रह तो इस वजह से मेरी एक फिल्म छूटी थी गदर लखनऊ में वो लखनऊ में शूट हो रहा था मैं वहीं पे था वहाँ थिएटर करता था और थिएटर उन्होंने अनिल शर्मा जी ने किसी को बोला कि हमको कुछ नए चेहरे चाहिए जो जिनको पाकिस्तानी दिखा सकें हम तो मेरा हो सकता था उसमें नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ आई वाज नॉट अलाउड टू गो देयर तो उसके बाद भाई तो बड़ा कष्ट झेलने पड़ते हैं यहाँ पे इस लाइन को अगर आप पकड़ोगे तो 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 कष्ट झेलने पड़ेंगे। लखनऊ का का किया आपने। सफर सफर उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश से 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 आपका दिल्ली 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 तक 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 तय हुआ, फिर मुंबई मुंबई और से अब इंटरनेशनल तक आप काम कर रहे हैं। तो के सफर में आपको क्या-क्या कठिनाइयों -क्या सामना करना पड़ा। नहीं, मेरे को, में कोई कठिनाई नहीं मुझे हुई। क्योंकि और थिएटर में प्रोड्यूसर्स जो आते थे वो कार्ड पकड़ा जाते थे कि भाई तेरा काम अच्छा लगा तू फ़ोन करियो हम बुला लेंगे तेरे को तो यहाँ पे भी दूरदर्शन के भी कुछ प्रोड्यूसर्स ने बुलाया मुझे उस समय शुरू शुरू में मैं कभी किसी के ऑफिस नहीं गया आज तक ये गॉड का ग्रेस है या क्या है ऊपर वाले की दया है वही मैं कह रहा हूँ कि गॉड जहाँ ले जाना चाहता है ना आपको वो अपने आप ले जाता है तो मुझे एंटर होने में कोई तकलीफ नहीं हुई हाँ बस ये है कि मैं बीस तीस साल से काम किया हुआ आदमी बट स्टिल आई वॉज गेटिंग ए स्मॉलर रोल्स मुझे थोड़ी सी बस ये मलाल रहता है कि आई कैन डू बिगर रोल्स ऑल्सो बट मुझे छोटे मिल रहे थे तो अभी क्या है मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया हूँ और वहाँ पे जाने के बाद मुझे दो तीन प्रोजेक्ट्स मिल गए जैसे अभी मेरी रिलीज हुई थी जी फाइव पे चौदह फेरे फिर फेर उसके बाद अब आने वाली मिशन मजनू सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ है वो फिल्म और अभी मैं सिद्धार्थ रॉय कपूर जी की फिल्म फिल्में गुमरा वो कर रहा हूँ तो इन सब में पंद्रह दिन बीस दिन तीस दिन का काम है तो मतलब विजिबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि बिकॉज वहाँ अगर बैठो तो होता क्या है कि ये आदमी अवेलेबल है यहाँ पे तो कैन यू मीट द डायरेक्टर कैन यू कम फॉर द ड्रेस चेकअप कैन यू कम फॉर द रिहर्सल कैन गो देर दो में आई दूरदर्शन फिल्म में आपने काम किया है बतौर हिंदी टीचर का किरदार निभाया आपने उसका कुछ पल साझा कीजिए आठ दर्शकों को अब इंडिया में हमारे क्या है हिंदुस्तान में कि हिंदी आप शुद्धता से नहीं बोल सकता हर आदमी सारी लैंग्वेज मिक्स हुई पड़ी हैं उर्दू और इंग्लिश के बिना कोई भी भाषा नहीं चल पाती हिंदुस्तान की कोई कोई भी बातचीत है आपकी तो आप कहेंगे जी टाइम कितना होता है टाइम इंग्लिश का वर्ड है इस तरह से उर्दू के वर्ड हिंदी के वर्ड और ये सारे मिक्स होते हैं। तो हिंदी में वार्ता करने का प्रयास करना अत्यधिक कठिन कार्य है तो ये थोड़ा सा प्रयास किया था कि कोशिश कि पूरी हिंदी एक्चुअल में हो तो वो डायलॉग वैसा हो गया और शायद लोगों को अच्छा भी लगा होगा कुछ एक डायलॉग और हो जाए उसे फिल्म का आज नहीं उसमें वो टीचर जो होता है कि आपकी कापी जांचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको आपको एक निबंध लिखने के लिए दिया था लेकिन आप उसमें ह की जगह शा कर देते शा की जगह सा कर देते तो इस तरह का कुछ था वो बहुत बहुत खूब जब तक है जान फिल्म आई थी शाहरुख खान साहब की 2012 में आपने उसमें मिस्टर कपूर का, का किरदार निभाया हाँ जी कुछ बताइए उस फिल्म के बारे में कैसा लगा आपको काम करके वो उस फिल्म में पहली बार जो है मैं मुझे नहीं पता था कि मैं ये काम करते हुए विदेश भी पहुँच जाऊँगा तो वो लंदन में सारा शूट था और वहाँ जाके भी वो बड़े अच्छे नेक लोग एक ही बिल्डिंग में हम सब लोग ठहरे थे तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वो और यश जी बहुत प्यारे इंसान थे और मुझे बस ये है कि आखिरी फिल्म थी उनकी रिलीज़ से पंद्रह दिन पहले वो चले गए 2015 में आई बजरंगी भाईजान सुपर हिट मूवी सलमान खान साहब के आपने उसमें कुरेशी पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया जो अपने आप में काफी हिट हुआ जी जी कुछ बताइए उस किरदार के बारे में क्योंकि आपके लिए एक वो नई चीज थी और एक बहुत बड़ी चीज थी हाँ वो तो वो फिल्म का न टैग लग गया मेरे ऊपर वो पूरे कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म बड़ी या तो मानी जाएगी क्या हालांकि रोल मेरा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन जहाँ भी मैं जाता हूँ उसके उससे पहचान जा पहचाना जाता है मुझे और मुझे ये लगता है कि क्योंकि उसकी सोशल मीडिया की पावर मुझे समझ में आई वहाँ पे कि इतना ज़्यादा उसका सोशल मीडिया में सलमान भाई की पिक्चर जब आती है तो इतना सोशल मीडिया नेटवर्क को बूस्ट कर दिया जाता है कि उस पिक्चर का एक छोटा सा करेक्टर भी पब्लिक पहचानने लगती है हालांकि उससे पहले दो दुनी चार मेरी आई थी जिसमें ऋषि कपूर सर थे और मेरा अच्छा करीब ट्वेंटी मिनट्स का क्लाइमेक्स का रोल था उसमें लेकिन वो चूंकि सोशल मीडिया में ज़्यादा पकड़ नहीं फैलाई गई उसकी इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई नहीं तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि पूरा देश का कोई क्रिटिक हो कोई मैगजीन हो या जिसने भी वो फिल्म देखी दो दुनी चार

देखिए मैं मैंने उसको जैसे ऑब्ज़र्व किया उस बंदे को बहुत से लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखोगे ऑफिसिस में काम करते हैं वो वो नेचर आपको वहीं सबका समझ आता है अलग अलग कुछ होते हैं जो मालिक को जैसे उन्होंने ये सर यस सर करके आगे बढ़ते हैं कुछ होते हैं स्टेट होते हैं जो अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं और वो कोई भी उनको उल्टी सीधी बात बोले ना ऑफिसिस में भी होते हैं इस तरह के लोग ये। तो ये सेकेंड टाइप का आदमी है और जो चालाक लोग होते हैं या मैन्यूपलेटर लोग मैन्यूपुलेटर नहीं है सीधा सच्चा जैसे इंसान होता ना वो है और बड़ा छोटा भी नहीं देखता जिस पे दिल आ गया उसको अब मेरे को वो बुला लेता था वहाँ पे अपने जहाँ पे महल पे ठहरे हुए थे क्या मैं छोटा सा एक्टर था लेकिन वो डिनर में मुझे भी बुला लेते थे तो इस तरह का नेचर कुछ डाउन टू अर्थ लोग इंसान होते हैं उनकी ये पहचान है, फिल्म में, आपने काम किया है। दो दुनी चार फिल्म में कुछ डायलॉग हो डायलॉग तो मैं बता रहा खुद का पसंद है ना वो सबसे ज्यादा पसंद है दो दुनी चार का क्योंकि उसमें एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि एक, एक आदमी हलवाई है उसके ऊपर पैसे बहुत आ गए कमा रहा है पैसे तो वो सोचता है कि दुनिया के सारे काम पैसों से हो जाते हैं तो उसके बच्चे भी वही सोचने लग जाते हैं उसका पोता भी वही सोचने लग जाता उसका पोता फिल्म न, मतलब एग्जाम में लिख के कुछ नहीं आता नोटबुक में लिख आता है कि जितने नंबर दोगे मास्टर उतने हम पैसे दे देंगे तुमको वो तो मास्टर बेचारा मजबूरी में फंसा होता है तो वो उसको लिख देता है कि हाँ भाई चलो हाँ मिल लें तो वहाँ मेरी एंट्री दिखाई है फिर वो समझ जाता है कि ये पैसों से नंबर खरीद रहे हैं तो दिल उसका मूड चेंज होता है वो, वो मास्टर भागता है वहाँ से फिर हम लोग पीछे भी जाते हैं उसको अब मुझे भी ये बात समझ में आ गई है तो मैं उसको जाके जो पकड़ता हूँ तो वो सोच रहा है कि स्टिंग ऑपरेशन वाले हैं लेकिन मैं स्टिंग नहीं मैं कहा मास्टर ओ यार तुम मैथ के मास्टर हो पीटी वो दुड़ा दुड़ा के वो दड़ा के परेशान कर दिया है वो कोई बात नहीं मास्टर देखो हो जाने दे मेरे पोते को फेल लेकिन अगले साल पढ़ा पढ़ा के पढ़ा पढ़ा के पढ़ा पढ़ा के पास करना तुम हैं और ये पकड़ो पैसे ये लो पैसे और रिश्वत नहीं है ट्यूशन के पैसे दे रहा हूँ हाँ और मास्टर और हम तो हैं हलवाई हैं मिठाई बनाते हैं और डेढ़ दो सौ रुपये किलो के हिसाब से भेज देते हैं लेकिन मास्टर आपने बनाने इंसान और जो जरा सी चूक हो जाए

तो <laughs> इस टाइप वो करेक्टर हो बहुत बढ़िया ऐसा <laughs> कौन सा सबसे बेहतरीन अरे खास दिन तो मैं, मैं डैड बताते थे, ये लोग रहते थे साथ यश चोपड़ा जी और बी आर चोपड़ा जी बड़े वाले पशुपति नाथ रंगीन जी ये लोग सब गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे रेलवेज़ के तो मेरे ताऊ जी इन लोग के साथ हॉकी खेलते थे मैंने वो जाकर बताई जब ऐसी वो सर मैं उनका बेटा हूँ वो पहचान गए मुझे एकदम तो से और वैसे ही ऋषि कपूर सर ऋषि कपूर सर ने मुझे देखा जैसे ही तो मैंने नमस्ते की कह रहे यार बात सुन तेरा नाम क्या तेरा मैं कह ये तेरा प्रेम नाथ जैसा लगता तू तो मैं क्या थैंक यू सर ठीक है अब वो वहाँ पे क्या होता था डेली में बैठ के और ऋषि जब खाली टाइम होता था वो बख्शी इधर आ कह रहे हो हाँ क्या बता रहा तू तो मैं उनको डेली डायलॉग सुनाता था इनके प्रेमनाथ जी तो यार वो वाली पिक्चर में ऐसा था वो ऐसा था मैंने कहा सर वो उसमें जैसे था बॉबी पिक्चर में प्रेमनाथ फादर का रोल कर रहे हैं तो बॉबी जो है उसको लेके आए थे और चूंकि वो लड़का ड्रेसअप से लग रहा है कि बहुत रिच है और ये सिंपल फैमिली से है और आके वो क्या पूछता है कि सर आपको बेटी को फिल्म दिखाने ले जाऊं अब अब सोचने वाली बात है कि फादर के दिल में क्या बीत रही होगी तो प्रेमनाथ क्या जवाब देता है उसको कहता है तुम नहीं ले जा सकता है उनके साथ बैठ के सुनाता खुश होते हैं बहुत बहुत वो दो तीन पिक्चरों में उन्होंने रिकमेंड किया मुझे बुलाया वो जिसमें वो खुद थे जैसे बेशरम ही कॉल्ड मी और जब मैं वहां गया तो मुझे डांटने लग गए कह रहे यार तू बख्शी बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया है मैं क्या हो गया मैं बुलवाते तो कह रहे बिजी है वो लास्ट टाइम उन्होंने बुलवाया था मुझे उसमें औरंगज़ेब की शूटिंग चल रही थी तो ये कोऑर्डिनेटर्स बीच में होते हैं ना ये बेचारे अब चलो उनको भी रोटी कमाने दो यार मैं खुद की रोटी के लिए नहीं बोल रहा लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि बख्शी मांगेगा ज़्यादा पैसे मान लो ये मांग रहा कम तो उनको इससे मतलब नहीं कि ये कितना बड़ा एक्टर है कितना क्वालिफाइड है या कितने थिएटर किए हुए उनको इससे मतलब यार हमको दो, दो पैसे ज़्यादा बच रहे ना अगर इसको भेजूंगा कुछ बचेगा नहीं उसको भेजूंगा मेरे को थोड़े ज़्यादा पैसे बच जाएंगे तो उसको रिकमेंड कर दिया होगा बख्शी बिजी है जी तो मैंने ऋषि सर से कहा मैं कहा सर आप खुद सोचो ना मे मेरी हैसियत है कपूर खानदान को मैं मतलब बुला रहा और मैं कह दू मैं बिज़ी हूँ रहा वो समझ गया था यार मैंने जो डायरेक्टर को डायरेक्ट नंबर दिया तो 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 तो, तो, अठारह साल आपने थिएटर किया है फिल्मी दुनिया में आप क्या कुछ फर्क है थिएटर और इसमें बहुत डिफरेंस थिएटर एक्टर का है और फिल्म जो है वो डायरेक्टर की होती है प्रोड्यूसर डायरेक्टर आप जितने बढ़िया एक्टर हो ना अगर आप फिल्म में जा रहे हो मान लो पैसा लगा हुआ है सामने वाले का मान लो आपका पैसा लगा हुआ है वो आप हीरो हो ठीक है अब मैं जितना मर्जी अच्छा एक्टर हूँ मैं आपके सामने आऊँगा डायरेक्टर आपका को आपने अपॉइंट किया हुआ है <laughs> अब हो क्या क्या कि मैं अच्छा डायलॉग बोल दिया ज़्यादा अच्छा तो ये होगा कि यार अरे यार ये वाला थोड़ा इसको वीक करो तो मेरे दस रिहर्सल दस सीन में से जो सबसे वीक होगा सीन मान लो दस मरतबा उसका वो शॉट शॉट लिया गया तो मेरा जो सबसे वीक होगा ना वो जोड़ दिया जाएगा और सामने वाला अगर वीक भी है तो उसको करा करा के करा करा के जो उसका बेस्ट होगा जोड़ दिया जाएगा तो ये तो नहीं। नहीं। वैसे है बेईमानी लेकिन ये हो सकती है फिल्म के अंदर बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट इन यूर हैंड्स और थिएटर में क्या है कि हमने खुद कई बार किया कभी कभी डायरेक्टर हमें मना करते थे कि ऐसा नहीं लेकिन शैतानी शैतानी में कुछ अपना मन का क्रिएशन हम स्टेज के ऊपर कर देते थे तो क्या होता था कि अगर क्लैपिंग्स हो गई और लाफ्टर मिल गया अगर पास हो गए तो डायरेक्टर कहते थे मान ही नहीं तुमने हमारी बात लेकिन ठीक है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते नहीं। और अगर वहाँ थिएटर में अगर लोगों ने गालियाँ भग दी तो कहा तुम्हें पहले मना किया था ऐसा नहीं करना है क्यों किया को सीधे तो ये फिल्म के अंदर नहीं हो सकता फिल्म के अंदर तो हीरो अगर सिंपल नया भी है उसको कुछ नहीं आता तब भी वो उसको कर सकते हैं ये थोड़ा डिफरेंस है आपने काफी सालों तक रामलीला की है इस वर्ष भी आपने लव कुछ राम की है उसमें आपका क्या किरदार रहा और कुछ डायलॉग हो जाएगा हर हर, हर, बार चेंज होके होता है ये पहली बार मुझे किसी राक्षस के लिए बुला रहे थे वो <laughs> तो थोड़ा तो पे, पेमेंट सेट नहीं हो पाया मैं सच्ची बात बता रहा हूँ फिर सेकंड टाइम इन्होंने मुझे बताया था बनाया था वो दशरथ और और उसके बाद इन्होंने विभीषण बनाया एक दिन एक बार तो मैंने उनको मना किया भाई साहब विभीषण नहीं लगता मैं, हुँ. मैं तगड़ा सा बंधा हूँ रावण बना दिया उसको हुँ. अवतार गिल को हुँ. तो वह अवतार गिले पतले से तो कई बार क्या है डिफरेंट डिफरेंट इस बार मैं गुरु वशिष्ठ बना था कुछ डायलॉग अगर उसके हो जाए तो उसके पता क्या हमें टॉक बैक मिल रहा होता है याद करने की जरूरत नहीं आपको सही बात होता है बहुत ईजी होता है वो कि जैसे तुम्हारे लगा हुआ है ना ऑर्डर मिल रहा से। हमको भी लगा होता है वो पढ़ रहा होता है वहां से, हम सीधे सीधे उसको सुन के बोलते रहते हैं हम अपने हर गेस्ट को एक टास्क देते हैं तो आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आप एक बस में हो और एक चूरन बेच रहे हो अच्छा अच्छा अरे बाब गोपाल चूरन एक है आपको उसको अच्छा, बेचना है अभी अच्छा, अच्छा। तो एक टास्क हो जाए यही पे अच्छा बसों में तो मैंने बड़े अजीब अजीब टाइप के देखे ना आई 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 भाई साहब मैं आ रहा हूँ भाई साहब आ रहा हूँ कोई बुला नहीं रहा उसको वैसे ही बना रहा, रहा, रहा होता आ रहा हूँ भाई साहब ये लीजिए गोपाल का चूरन इससे आपके सपने हो जाएंगे पूरा पेट दर्द वगैरह कुछ नहीं होगा रोज इसको खाइए और मजे मनाइए आइए आइए आ रहा आ रहा हूँ दस रुपये क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो अभी आने वाली फिल्मों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो जो अभी अभी रिलीजिंग रिलीजिंग डेट पर है है में आने वाली है वो मिशन सिद्धार्थ मल्होत्रा जी के साथ है और गुमराह जो आदित्य राय कपूर है उसमें डबल रोल है और इन दोनों पिक्चरों में थोड़ा क्योंकि बॉम्बे शिफ्ट हो गया इसलिए थोड़ा सा ठीक ठाक रोल है दोनों में तो आई एम वेरी एक्साइटेड मैं बस इसीलिए मुझे बस यही चाहिए कि मैं मुझे थोड़े लंबे रोल्स मिले क्योंकि मैं तीस पैंतीस साल हो चुके हैं मुझे लोग बताते हैं कि इसको अठारह साल हुए बहुत मेहनत करी ये हो गया मैं मैं थर्टी फाइव हुए पढ़े तो मुझे ये फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी है हालांकि लोगों के बीच में मजाक में उड़ाता हूँ मैं इस चीज़ का कि क्योंकि किसी चीज़ में दुखी होने से कोई कुछ मिल तो जाना नहीं इसलिए मैं मजाक बनाता हूँ अपना खुद का लोगों से कहता हूँ मैं फ्रस्ट्रेटेड एक्टर हूँ मैंने आज तक कभी रेड कारपेट टच नहीं किए hmm. फिल्म फेयर अवार्ड व फलाने वती ना hmm. कारपेट्स तो मैंने कहा उस दिन मैं अपने अपने घर के पास तिलक नगर है वहाँ से मैं देख के भी आया था कारपेट मैंने सोचा मैं गली में बिछा के खुद ही इस पर हाथ ऐसे 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 करके चल देता हूँ और एक फीलिंग आ जाएगी वहाँ मैंने अवार्ड नाइट अटेंड की तो हंसते हैं वो लोग लेकिन वो दिल की मेरी असली दुख है वो जिसको मैं हंसी उड़ाता हूँ क्या करूँ तो आपके पैंतीस साल के इंडस्ट्री के सफर में आपका आइडल कौन रहा जिनसे आपको मोटिवेशन मिली आइडल तो दो तीन रहे वैसे लेकिन एक कादर खान साहब कादर खान साहब कादर खान साहब को मैं देखता ऑब्जर्व करता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार क्योंकि उनकी क्वालिटी एक क्या क्वालिटी वॉइस क्वालिटी वो अगर सुबह से लेकर शाम तक आपको उन, उनको बुलवाते रहो ना डायलॉग वो आवाज उसकी उनकी ख़राब नहीं होगी आवाज ही उनकी पहचान थी एक तरह से ये हुआ जब दो दूनी चार की मैं डबिंग कर रहा था ना तो डायरेक्टर ने कहा है जी तीन घंटे आज करना है तीन घंटे कल तीन घंटे परसों तो मैंने कहा सर परसों नहीं कल मैं जा रहा हूँ पूना जाना है मेरे को अरे एक दिन में कैसे हो जाएगा नहीं, नहीं। मैंने यकीन नहीं मानो ग्यारह बजे से सुबह स्टार्ट करी रात और शाम को मैंने पूरी डबिंग एक ही दिन में कंप्लीट की है उसकी वो कह रहे हैं दो तीन घंटे में वॉइस टेक्चर चेंज हो जाता है मेरा नहीं होता सर वो प्रैक्टिस पर डिपेंड है हम खुद ही इतना बोलते रहते दिन रात तो वो क्या है काजर खान साहब का भी यही था कि जैसे उनकी आवाज है भगवान तुम्हारा भला करे मगर करेगा नहीं तो ये जो वॉइस है थिएटर के, साथ साथ के लखनऊ में किया है वहाँ पे आपने काफी थिएटर लिखे भी है उनको किया भी है तो वो सफर कैसा रहा आपका एक तरह से उत्तर प्रदेश में यूपी में रहने की वजह से फायदा ये हुआ कि वहाँ पे उर्दू के बड़े नाटक वगैरह होते थे और लैंग्वेज वहाँ की जो है लोकल लैंग्वेज तो इंसान जहाँ भी रहता है जैसे मैं बॉर्न तो पंजाबी फैमिली में हूँ लेकिन क्योंकि यूपी में रहा हूँ दस बारह साल तो क्या वहाँ की लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज हो जाती है आपके तो उसकी वजह से मैं अगर पंजाबी बोलता हूँ तो वो पंजाबी होती है अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो आपको एहसास नहीं होगा कि पंजाबी आदमी बोल रहा है हर शक्ल देख कर कुछ भी आप आइडिया लगा सकते हो दैट इज़ डिफ़रेंट थिंग वहाँ पे लिखने के साथ साथ और क्या काम रहा आपका थिएटर में नहीं मेरे को तो टाइम ही कम होता था मैं तो अपना डिस्ट्रीब्यूटर था उसका तो मैं जा के बोलता था उनको थिएटर होता था ना तो कभी अखिलेश खन्ना साहब आते थे कभी सुशीला वर्नेकर मैडम ये सब एन से आते थे हम लोग को कराने के लिए तो मैं उनसे बोलता था वो पहले दिन आते थे कोई क्वेश्चन मैं क्या मैं बोलता था कि छोटा रोल दे दिया मुझे कह रहे पहली बार ऐसा आदमी देख रहे छोटा रोल मांग रहा है बिकॉज वो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना होता था ये भी करना होता था लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि चाहे छोटा सा रोल हो आप उसको अगर शिद्दत से निभा देते हो तो ऑडियंस की नज़र में आप आ जाते हो क्योंकि एक एक थिएटर होता है उसमें पचास आर्टिस्ट होते हैं तो मैंने मोस्टली देखा कि जो दो तीन मेन होते थे आर्टिस्ट उनके अलावा मेरा भी वो हालांकि प्रेस वाले मुझे जानते नहीं थे लेकिन वो मेरा भी लिख देते थे कि इसका काम ठीक था मतलब नोटिस हो जाता है छोटा छोटा सा काम हो तो ये तो सफर रहा जिंदगी का इंडस्ट्री का हुँ, हुँ, अब कुछ डायलॉग हो जाए अच्छा, किसी एक्टर का मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ वो बच्चन साहब से तो है ही है लेकिन उनकी एक फिल्म थी अग्निपथ तो वॉइस चेंज करके बोला था तो वॉइस पहली बारी नहीं चली थी फिर चेंज करके तो अपनी जो रियल वॉइस चल रही थी उस पे डब किया था इतना सा था मैं इतना सा था जब अपने आग के सामने अपने आंख के सामने अपने बाप को मरते देखा मैं नहीं खा सकता रोटी में नहीं खा सकता है मेरा मां मुझको गलत आदमी समझता है लेकिन मैं नहीं बनेगा मास्टर दीनानाथ नहीं बनेगा मेरे, मेरे साथ कौन सही किया जो मैं सही करूं वो वो ऐसे नहीं मैं झूठ बोला तुमको मैं ऐसे नहीं आया इधर वो माँ मुझे खाने के टेबल से उठाया तो मुझे लगा तुम्हारे तो पास सुकून मिलेगा इसलिए आया है थक गया साला मैं वही सोफे पे सोया दैट दैट नाउ क्या है ये तो आपकी यादगार फिल्म कौन सी रही अब तक की बहुत सारी है बहुत सारी है। कुछ ऐसी फिल्म तो हर पिक्चर में जिन्हें आप बार 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 देखना पसंद करते हो बार -बार तो यार मुझे फिर ऐसा होता है कि कितनी देर तक कौन क्या क्या समझता रहे तो इसलिए कॉमेडी लगाते रहो और देखते रहो कॉमेडी की पिक्चर एक और एक ग्यारह मुझे बड़ी अच्छी लगती है पता नहीं क्यों क्यों ये लोग रिपीट नहीं हो रहे संजय दत्त और गोविंदा साहब को आना चाहिए एक और ग्यारह टाइप की फिल्में बनानी चाहिए इनको पैंतीस साल आपने इंडस्ट्री को दिए हैं जी जी और काफी सारे सपने आपने अब तक अपने पूरे कर लिए हैं कोई ऐसा सपना जो अभी भी बाकी रह गया हो सपना वो बताया मैंने आपको बीच में कोई को, को किसी ने आज तक कहीं अवार्ड नाइट में जा ही नहीं पाया नाइट में ही नहीं जा पाया तो मिलना तो छोड़ो तो वो तक वो ये है ना कि यहाँ बैठे हो आप आप वहाँ पे रहो उनके बीच में कुछ बड़े बड़े रोल्स आने शुरू हों तब तो आप गिनती में भी आओगे ना किसी की नहीं तो गिनती में ही नहीं हो आप तो इस इसका थोड़ा सा मलाल है कि बीइंग इतनी इतना कुछ करने के बाद भी आदमी हालांकि आई एम uh, नॉट दुखी इतना दुखी नहीं हूँ मतलब आई एम हैप्पी कि मैं इतने तक ही बहुत है मेरे लिए कि मेरी माँ जो चप्पल मार के ठीक से काम नहीं कर रहा टुडे शी इज वेरी हैप्पी एंड ब्लेसिंग मी तो मेरी माँ की ब्लेसिंग मिल रही है और इससे बड़ी मेरे को कुछ उस नहीं उस टाइम तो मार पड़ती थी आज ब्लेसिंग मिलती है शी इज वेरी हैप्पी आपके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में चर्चा हुई और इंडस्ट्री के बारे में आपने बात की फिल्मों के सफ़र के बारे में चर्चा हुई काफ़ी बेहतरीन पल हमने बिताया आपके साथ हमारे शो वो लम्हे में और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि आपको और काबिलियत दे भगवान नेम फेम तो आपको मिल चुका है लेकिन इतना फ़ेम मिले आपको कि दिल्ली का नाम आप इंटरनेशनल लेवल पे आप रोशन करो यही भगवान से मनी कामना है और हमारे साथ आने के लिए शो में जुड़ने के लिए खास चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद